अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे उर्दू बी का। मज़मून है हमारा हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम। आज हम आधा पढ़ेंगे और बाकी आधा हम कल पढ़ेंगे। आपने इसको अच्छी तरह याद भी करना है और आपने इसको ज़ुबानी लिखना भी है, ठीक है। आप हज़रत मुहम्मद सल्लम के बारे में बहुत कुछ जानते हो पहले से, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके सारे इंफॉर्मेशन हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है, उनके बारे में। तो अब मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ, तो आप ध्यान से मेरी तरफ जो जो लफ्ज़ मैं पढ़ूँगी उसको ध्यान से सुनना भी है, ताकि आपके बोलने में भी गलती ना हो और बाद में आपने इसको ज़ुबानी लिखना भी है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने लोगों की भलाई और हदायत के लिए दुनिया में बेशुमार नबी और रसूल भेजे। इनकी कुल तादाद तकरीबन 1,24,000 है। उन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक लोगों को ज़िंदगी बसर करने की नसीहत की। सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के बाद अब किसी पैगंबर या नबी के दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो एक मुकम्मल ज़रिया हदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ही आखिरी रसूल हैं, ठीक है। बच्चों, समझ आ रही है आपको? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्द के मौजिस कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। किससे ताल्लुक़ रखते थे? अर्द के मौजिस कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। आपने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा माजदा का नाम हज़रत आमना था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 को मक्के में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से चंद माह कबल फोत हो गए थे, यानी कि वफात पा गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। अर्ब के रिवाज के मुताबिक बच्चों की परवरिश खुले माहौल में होती थी, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माई हलीमा के सपोर्ट कर दिया गया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश देहात में ले जाकर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल हुई तो माई हलीमा आपको मक्के वापस ले आई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालदा हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा ने अपने ज़िम्मे ले ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो दादा भी फोत हो गए और चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही से अच्छी अदात और आला अखलाक के मालिक थे। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेल तमाशे से कोई दिलचस्पी ना थी। जवानी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी पकीज़ा ज़िंदगी बसर की। इस ज़माने में लोगों में बेशुमार बुराइयाँ थीं, बुतों को पूजना, लड़ाई झगड़ा, कत्लोगारत करना, जुआ खेलना इनकी आदत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बुराइयों से दूर रहते। चले, आज हमारा आधा मज़मून हो गया है। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और लिखना भी है, ठीक है बच्चों? जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे आप सब? ठीक है। चले, कल हमने क्या पढ़ा था? हाँ, कल हमने मज़मून स्टार्ट किया था। अपना पहला मज़मून था हमारा हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हमने आधा लिख लिया था, उम्मीद करती हूँ आपने याद किया होगा और लिखा भी होगा, ठीक है। चले, आज हम अगले आधे की दोहराई करेंगे, पढ़ेंगे इसको और इसको आपने अच्छी तरह इसको भी याद कर लेना, ठीक है बच्चों? चले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सच्चे और ईमानदार थे, इसीलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी ईमानते रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खूबियों की वजह से मक्के की मालदार खातून हज़रत खदीजा ने, जो ताहिरा के लकब से मशहूर थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल तजारत देकर मुल्क शाम भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और अखलाक की वजह से इतनी मुतासर हुई कि आपकी आपसे शादी की ख्वाहिश की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तलकीन की कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, शिर्क ना करो। शिर्क का मतलब कि यानी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ठीक है। बुतों की पूजा छोड़ दो, सब इंसान बराबर हैं। अच्छा वो है जिसके काम अच्छे हैं। नेकी करो, बुराई से बचो, हकदार को उसका हक दो, औरतों और गुलामों से अच्छा सलूक करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सादा तबीयत के मालिक थे। सादा गज़ा और सादा लिबास पसंद फरमाते। अपना हर काम खुद करते थे। बाज़ार से सौदा सल्फ लाते, अपने कपड़ों पर खुद पेवन लगाते, यानी कि अगर कपड़ा कहीं से फट जाता तो उसको खुद से सिलाई करके पहन लेते। अपने जूते मुरम्मत कर लेते, छोटा होता या बड़ा, सबके साथ बैठकर खा पी लेने में बिल्कुल झिझक ना फरमाते। झिझक मीन कि दूसरे के साथ बैठने से हिचकिचाहट पीली करनी, बिल्कुल भी झिझकते नहीं थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत रहम दिल थे, यानी कि वो रहम करते थे, प्यार से पेश आते थे सबके साथ। बीमारों की तीमारदारी फरमाते, यानी कि बीमारों के पास जाते, उनके लिए फ्रूट ले जाते, उनकी तीमारदारी करते, खिदमत करते उनकी। दोस्तों या दुश्मन, सबसे यकसा सलूक फरमाते। यकसा मतलब एक जैसा सलूक करते थे सबसे। गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और मोहताजों की दिल खोल कर मदद करते थे। बच्चों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी मोहब्बत थी। बच्चों को पहले सलाम करते, बढ़कर इन्हें गोद में उठा लेते और इनसे शफ़क़त फरमाते थे, यानी कि बच्चों को भी प्यार करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और अहले मक्का को एक अल्लाह की इबादत की तलकीन की, तो मक्के के लोगों को अपने बुतों की मुखालफत पसंद ना आई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। मतलब कि उन पर तरह तरह के जुल्म करने लगे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को काफरों के जुल्म से तंग आकर मक्के से मदीना हिजरत करनी पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी से इस्लाम की तबलीग करते रहे, यानी कि इस्लाम को फैलाते रहे। आखिर वो वक्त आया जब लोग तेज़ी से इस्लाम कबूल करने लगे और मदीने में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में कई जंगें लड़ी। आखिर मक्के के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया और खुतबा हजतुल वदा दिया। इस वक्त 1,24,000 सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। चलो, यादबाद मज़मून ख़त्म हो गया है। आपने इसको याद भी करना है और साथ में लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, आज हमने कौन सा मज़मून पढ़ना है? मेरी पसंदीदा किताब। जैसे कि आप देखते हो कि सब बच्चों के डिफरेंट पसंदीदा किताबें होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मेरी पसंदीदा किताब कौन सी है? कुरान मजीद। ठीक है, आप सब पढ़ते हैं कुरान मजीद, ठीक है। आपको उसकी अहमियत का और उसके बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। चले आज हम पढ़ते हैं, फिर आपने इसको घर पर भी याद करना है इसको और लिखना भी है, ठीक है। लिखने से क्या होगा, आपकी फिर लिखते हुए जो गलतियाँ होती हैं फिर वो नहीं होंगी। चले स्टार्ट करते हैं। मेरी पसंदीदा किताब कुरान मजीद और सफ़ा नंबर क्या है? 194। चलो, यूँ तो मुझे कई किताबें पसंद हैं, लेकिन कुरान मजीद मेरी सबसे पसंदीदा किताब है। यानी कि सबसे पसंदीदा मतलब कि मुझे वो किताब सबसे अच्छी लगती है। ये किताब अरबी ज़ुबान में है, मैं बाकायदगी से इसकी तलावत करता हूँ। बाकायदगी मतलब मैं हर रोज़ इसकी तलावत करता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप क्या करेंगे? करती हूँ। इसकी तलावत से मेरी तबीयत को बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक की रहनुमाई और हदायत के लिए हर ज़माने में नबी और पैगंबर भेजता रहा है।
अल्लाह ताला ने इन पर सहीफे और किताबें नाजिल फरमाई। कुरान मजीद इन आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है जो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल होना शुरू हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हो गई। कुरान मजीद का नज़ूल 23 साल में मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद एक मुकम्मल और जामे किताब है, इसमें ज़िंदगी के हर मसले का हल मौजूद है। यानी कि आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन चाहिए तो आप कुरान मजीद को पढ़ें, उसमें आपको हर मसले का क्या मिलेगा, हल मिलेगा। ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इस किताब को नाजिल हुए सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं, सैकड़ों बरस मतलब सैकड़ों साल, लेकिन इसकी आयात में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया और ना कभी इसमें कोई तब्दीली आएगी। कुरान मजीद दूसरी तमाम आसमानी किताबों से अफजल है, यानी कि बुलंद है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसे जिसने सच्चे दिल से पढ़ा और इस पर अमल किया वो जन्नत का मुस्तहिक ठहरा। इसका एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है। कुरान करीम में बीमारों के लिए शिफा और दुखी लोगों के लिए दर्द का इलाज मौजूद है। सबसे बढ़कर ये कि कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसे मुसलमान हर बाहर हिफ्स कर लेते हैं। ये किताब लामहदूद बरकतों का मजमुआ है, ये इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का सचश्मा है। गर्ज़ के कुरान पाक की जितनी भी खूबियाँ बयान की जाएँ कम है। चलें, ये एक छोटा सा मजमून है, इसको आपने जैसे याद करना है और लिखना भी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 6th क्लास। ठीक है, आज हम उर्दू बी में क्या पढ़ेंगे, दरख्वास्त पढ़ेंगे। लेकिन दरख्वास्त पढ़ने से पहले मैं आपको दरख्वास्त का जो मतलब कि तरीक़ेकार है कि हमने उस स्केच को कैसे लिखना है वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं आपने बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर कुछ भी नहीं लिखना, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा। साहिबा जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से आपने लिखना शुरू करना है, अलिफ बे जीम लाहौर। उसके बाद में प्रिंसिपल के नीचे बिल्कुल नीचे लिखेंगे आप जनाब आलिया। मौत पाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात शिशम, अगर आप गर्ल हैं तो की लिखेंगी, अगर आप बॉय हैं तो का लिखोगे, का लिखोगे, ये तालब इल्म हूँ। ठीक है, उसके आगे जो दरख्वास्त होगी उसके आगे आपने वो लिख देंगे। उसके बाद आप सबसे एंड पे क्या लिखोगे, ए नवाजिश होगी, और कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे अल आरिस आपका किताब फरमान। इसके बाद आपने क्या लिखना है, हमज़ा छोटिए बढ़िए जमात लिखेंगे, और उसके बाद आपने मोरखा यानी कि तारीख लिख देनी है जो दिन की तारीख होगी। चलें, आज हम दरख्वास्त शुरू करेंगे। दरख्वास्त नंबर एक आपकी है 155 खोलें। ठीक है, और उसको हम आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे दरख्वास्त को। सबसे पहले आपको मैंने ऊपर तरीका बता दिया सारा, अब हम बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा लिखना है आपने, अलिफ बे जीम जनाब, अलिफ बे जीम के बाद बोलोगे लाहौर जनाब आलिया, सेंटर में आ जाएगा। मौत बाना इल्तमास है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, इनकी तिमारदारी और घर के ज़रूरी मामलात को निपटाने के लिए यानी कि उनको करने के लिए मेरा घर में रहना ज़रूरी है, लिहाजा मैं आज और कल स्कूल में हाजिर होने से कासिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि मुझे 2 यौम की रुख्सत अनायत फरमाएं, यानी कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें। उसके बाद आप लिखोगे ए नवाजिश होगी अल आरिस, जो मैंने आपको ये पूरा तरीका इन पर बताया है वो आप सारा इसको फॉलो करके कम्प्लीट आपने दरख्वास्त कर लेनी है। ठीक है, चलें, अब इसको आपने याद भी करना है और इसके इस स्केच को लिखें भी, याद करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास, क्या हाल है सबका? ठीक है, चलें, कल हमने दरख्वास्त नंबर 1 पढ़ा था, दरख्वास्त बराए रुख्सत पर वजह ज़रूरी था। आज हम कौन सी दरख्वास्त पढ़ेंगे, दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। ठीक है, दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। उससे पहले स्केच को मैं एक दफ़ा जो आपका दरख्वास्त लिखने का तरीका है उसे मैं दोबारा एक दफ़ा फिर से रिपीट करूँगी ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए कि हमें इसको कैसे फॉलो करना है, कैसे लिखना है। उससे पहले आपने क्या लिखना है, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा अलिफ बे जीम लाहौर जनाब आलिया। मौत बाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात शिशम की, मैं आपको कहता जो गर्ल है वो की लिखेंगे और जो बॉय है वो क्या लिखेंगे,
طالب علم طالب علم ہوں اس کے بعد جو درخواست ہوگی وہ اپنے یہاں پہ لکھ دینا ہے اے نوازش ہوگی العارض آپ کی تابع فرمان حمزہ چھوٹے بڑی جماعت ششم لکھیں گے اور آپ اس دل کی تاریخ لکھیں گے چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں نہایت ادب سے التماس ہے کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے یعنی کہ غریب گھر سے ہے والد صاحب محنت مزدوری کر کے 8 افراد پر مشتمل بڑے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں اکثر اوقات مزدوری نہ ملنے کے بعد 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو جاتا ہے حالات کی تنگی سے مجبور ہو کر والد صاحب میری اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے لہٰذا آپ سے التماس ہے گزارش ہے کہ میری فیس معاف فرما دیں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا یعنی کہ آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا اس کے بعد آپ نے العارض لکھنا ہے اور جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے العارض کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے آپ کا تابع فرمان حمزہ چھوٹی پڑی ہے جماعت ششم ٹھیک ہے اب اس کو بھی آپ یاد بھی کرو اور لکھنا بھی ہے آپ نے ٹھیک ہے بچوں اوکے اللہ حافظ